और बहू बोलती है तो सास को सोचना चाहिए मेरी बिटिया है, और वो नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा, बात खत्म। पूरा इश्यू जो हमारे मन में जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हमारा बीपी हाइपर होता है, इमीडिएट जीरो, क्योंकि हमें सुनना आता नहीं, हम सुन सकते नहीं। तो सुनक, और दूसरा कोई भी बोले सुना करो। एक अहमदाबाद के स्टेशन में, आप पर्टिकुलर अहमदाबाद वाले मत ले लेना पर्सनली, मैं किसी पर्सनली किसी की बात नहीं करता हूं, मगर मेरा जो धंधा है ना यहां बैठने का, वो रेडीमेड का है। जिसको माप आता है वो पहन लेने की छूट है, मगर मेरा किसी को व्यक्तिगत टारगेट करने का कोई सवाल नहीं, इरादा नहीं। और आपको माप का लगता है तो पहन सकते हैं, मगर मैं किसी के लिए नहीं बोलता हूं। अहमदाबाद के स्टेशन पे एक सज्जन को एक भाई जोर जोर से अपशब्द बोल रहे थे, हम नहीं सुन सकते ऐसे। तो एक हमारा दक्षिण गुजरात का आया और बात बात के वो तो बोलता ही रहता है श्लोक, तो बोले कि भैया ये आपको गाली दे रहा है। तो बड़े प्रसन्नता से कहा कि वो दे रहा है, ले तो नहीं रहा है। कितनी अवस्था सुंदर, कोई गाली दे रहा है तो वो मजा ले रहा है, क्योंकि वो दे रहा है ना, वो हमसे ले थोड़ी जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति का निर्माण उसको कहता है सुनने की समझ। जो सुनना जान जाता है उसको तकलीफ नहीं होती। यदि एक पैया सलामत हो गया, दूसरा पैर गावत, जो सुनत गावत। हम गाते नहीं, हम रोते हैं बार बार भगवान के सामने रोते। कोई पूछे कैसा, अभी जाने तो ना बहुत खराब चल रहा है, होटल कैसा चल रहा है, कोई कस्टमर नहीं आते। अब दूसरा दिन लिया तो उसका क्या, ऐसे वैसे आ गई क्या, मगर हमारा स्वभाव रोने का होता है। और सत्यनारायण भगवान की आपने कथा सुनी होगी, उसमें एक साधुनाम का बनी आता है। और सत्यनारायण की कथा में क्या क्या आता है, एक लीलावती, एक कलावती, एक साधुनाम का बनिया। ये जब तक न आए तब तक कथा संपन्न नहीं होती, बाकी सब बाहर बैठे होते हैं, बोले वो कलावती आ गई, चलो प्रसाद का समय हो गया। हम सबको पता है। तो जैसे वो बंदी से मुक्त हुआ, साधु नाम का बनिया, तो भगवान ने आकर उनकी परीक्षा की। तो बनिया बड़ा चालाक निकला और उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, भरपूर प्रभु का दिया हुआ सब कुछ था, भगवती का दिया हुआ सब कुछ था। कल तो वो जेल में था, कारागृह में था, आज हीरा माणिक जवेरात धन दौलत विपुल ऐश्वर्य का मालिक, वाहन भरे हुए थे, बोट में विपुल संपत्ति थी, लोडेड थे। मगर ये बनिया ने सोचा कि ये महाराज ले जाएगा तो, अरे महाराज कहां से ले जाएगा, तुलसी पंछी ने के पिए कटे सरिता नीर, धर्म किए धन ना कटे कह गए दास कवि। कोई ऐसा बैंकरप्ट हुआ सुना आपने कि वो दान दिया इसलिए वो बैंकरप्ट हो गया, नहीं, वो जुआ खेलता तो होता है, ऐसे होता है, कभी दान व्यर्थ नहीं जाता। तो बढ़िया बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, लत्ता पत्ता निगेश्वरम। तो भगवान ने कुछ नहीं किया, न श्राप दिया न अभिश्राप दिया, ये सत्यनारायण भगवान की वार्ता। भगवान ने ऐसा कहा सत्यम भवतु ते वचन, तेरा कहना सत्य हो। कई बार ऐसा योग आ जाता है हमारे जीवन में, हम जो बोलते हैं वो सही हो जाता है। तो इसलिए किसी का भी खराब मत सोचो, और खुद के बारे में तो कभी नहीं। लोग, काफी लोग खुद के बारे में कुछ पूछे तो बहुत खराब है अभी तो, फिर बाद में पता चलता है उन्होंने तो ये सब दिया वो सब दिया। तो कोई बात नहीं, आपका स्वभाव, मगर कभी भगवान ने सुन लिया और भगवान ऐसे बोल देंगे कि सत्यम भवतु ते वचन, तेरा तेरा सच हो जाओ। तो रोने की आदत निकाल लीजिए और गाने की आदत डाल लीजिए। और गाने का एक बड़ा फायदा, वी आर शॉर्ट टेम्पर्ड, ओके, यू एग्री, वी आर, आई एम ऑल्सो विथ यू, यानी कि यू नहीं, वी,
because of our temper, due to earth connection, हमारा पृथ्वी का संपर्क कम हो गया है, छूट गया है, इसलिए हमारा क्रोध ज्यादा है, सहनशीलता कम है, तो आपको गुस्सा आ जाए, आप कुछ भी बोल लेने की तैयारी में हो या तो कुछ भी एक्शन ले सकते हो, तब इतना करना कि गाना शुरू कर देना, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, इतना गा के फिर गुस्सा करना, आपका गुस्सा इमीडिएट जीरो हो जाएगा, अरे तेरे को एक बार दूंगा, फिर गाना श्री राम जय राम, आपने जैसे वो गा लिया आपका गुस्सा इमीडिएट जीरो हो जाएगा। तुलसी गली है साकरी, दोनों ना समान, अब गाते गाते गुस्सा नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं, आपको लगे कि परिवार में कुछ मैं अलग से बोल दूंगा, मेरा क्रोध हाइपर हो गया है, तो तब गाते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत छे, सुर सजाते रहो, गाते रहो। और गोपिया ने क्या किया था? कुछ नहीं किया था, सिर्फ गाया था, और जो गाता है उसको गोपी कहा जाता है। गोपी कोई व्यक्ति नहीं है, एक समूह है, भाव है, स्त्री भी गोपी हो सकती है और पुरुष भी। स्त्री भक्ति करे तो उसको गोपी कहते हैं, पुरुष भक्ति करे तो उसको क्या कहेंगे? ना, स्त्री भी गोपी है यदि वो गाता है तो। नरसी का एक प्रभात की आपको मालूम है, मैं कानूड़ा तोरी गोवाल, नरसी लिखता है मैं कानूड़ा तोरी गोवाल, अगर पुरुष लिखता है तो कैसे देखना पड़ेगा कि मैं कानूड़ा तोरो गोवालियो मुरलिए ललचाणो रे, यदि पुरुष है तो ऐसे लिखना चाहिए, और अच्छा कवि है नरसी को, उसको तो पता है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग वगैरह, मगर नरसी को मालूम है जो गाता है उसको गोपी कहते हैं, और गोपी भाव वो स्त्री भाव है, भक्ति स्त्रीलिंग है। तो मैं कानूड़ा तोरी गोवालन मुरलिए ललचाणी रे, मैं कानूड़ा तोरी गोवाल, कभी 6 बजे उठकर अपने पिछवाड़े में जाकर बगीचे में इतना गाना, थोड़ा जोर से गाना, हर के माथे में ढोली ली थी जी जी, भरवाने हाली हूं तो पानी रे, गागर भरोसे में गोली ने ली थी, ए आरानी छुआ जानी रे, मैं कानूड़ा तो ही गोवाल। सर तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल जरूर से, तुम्हारा बीपी जरूर से, तुम्हारा मधु जरूर से, एक गाने का बहुत मजा है। तो सुनत गावत कहत, लोगों को कहना चाहिए, आइए कथा में आइए, हम बोलते हैं मगर जो जरूरी नहीं है वो बोलते हैं, जो जरूरी है वो नहीं बोलते, हम अच्छी सलाह नहीं दे सकते, उसको उल्टे पट्टे में चढ़ा देते, कहने का अवसर मिले तो सत्य का आचरण करें। सुनत गावत कहत, और अंतिम बात है समझत, आज का व्यक्ति समझना नहीं चाहता, जानता है सब कुछ मगर समझना नहीं चाहता है। 80-80 साल हो गए मगर हमने हमारी समझण को एक लिमिटेड एरिया में, हमारा स्वार्थ जहां है वहां समझ लेते, वहां हम अपना निहित स्वार्थ पकड़ के बैठ जाते, अन्यथा मैं नहीं मानता। कहीं पर लोग बड़ी कठोरता से बोल देते हैं कि मैं नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, ऐसे लोग भी है,
सबको अपनी सोच मुबारक है। रुचिनाम वैचित्रा ध्रुज कुटिल नानाम बदरशाम, अपना खुद का एक विचार होता है, उस विचार को पकड़ने की सबको अनुमति है, मगर हम भगवान को माने या न माने मगर भगवान हमको मानते हैं। और जब भगवान जी हमको मानना बंद कर देंगे तब अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण नामोदरम, और उसकी सत्ता का प्रकार अद्भुत है। आपका वायरिंग है ना, तो ये 25 स्विच पीछे लगी होगी, ये बंद करो तो घुंघट वाला बंद हो जाएगा, ये बंद करो तो स्टोर वाला बंद हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर अलग अलग लगा हुआ है। वैसे हमारे अंदर भी प्रभु ने काफी सर्किट ब्रेकर लगाए हैं, कब किसका सर्किट कहां से उठ जाए मालूम नहीं। तो जथा ब्रह्मांड में जितनी रचना है उतनी ही रचना हमारे पिंड में यानी शरीर में। तो ये शरीर जब तक प्रभु है तब तक इसका नाम है, जैसे प्रभु चला जाता है उसको इमीडिएट बिकम ए बॉडी। अपना पुत्र हो, अपना पिता हो, अपना पति हो या अपनी पत्नी हो, जब तक जीवित है तब तक बाबूजी है, माता है, पुत्र है, पत्नी है या तो पति है। जैसे अंदर बैठा हुआ आत्मा राम चला जाता है, निकल जाता है, तब वही लोग बाबूजी के शरीर को लाओ ऐसा नहीं बोलेंगे। बॉडी को लिया है, बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में रखा है। तो हमें समझना चाहिए कि चार पहिया बहुवेशक रघुनाथ जस सुन ही जे नर अरु नारी। कई बार लोग पुरुष लोग अपना जमा ले हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी की पूजा महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को पाठ नहीं करना चाहिए, महिलाओं को सुनना नहीं चाहिए। ले तुलसी को पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए उन्होंने लिखा कि जस सुन ही जे नर अरु नारी। स्त्री को कहीं पे भी हनुमंत आराधना में बाधा नहीं है, इसका एक प्रमाण है। जस तुम ही जय नर और नारी तीन कर सकल मनोरथ, इसके सभी मनोरथ त्रिस्त्रारी भगवान राम पूर्ण करेंगे। नीलोत्पल घनश्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग अधिक। उसके नाम का सुमिरन करने से हमारे खग यानी कि पाप रूपी पक्षी जो हमारे ऊपर मंडरा रहे वो सब पक्षी उड़ जाएंगे। इतना आग्रह कर किष्किंधाकांड का ये अंतिम दोहा संपन्न करता हूं, सुंदरकांड का मंगलाचरण कर लेता हूं। कल सुंदरकांड पे मीठी मीठी भाषा में बातें करेंगे। सुंदरकांड श्री गणेशाय नमः। कोलिए पुस्तक श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड शान्तं शाश्वतमप्रमेय मनघं निर्वाण शान्ति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं गोपाल चूडामणि नान्यास्पृहा रघुपतेरभयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामम् हेम शैलाभ देहम् दनुजवन कुशानुं
జ్ఞానినాం అగ్రగణ్యం సకల గుణ నిధానం వానరాణామధీశం రఘుపతి ప్రియ భక్తం వాత జాతం నమామి రఘుపతి ప్రియ భక్తం వాత జాతం నమామి రఘుపతి ప్రియ భక్తం వాత జాతం నమామి జాంబవంత కే వచన సుహాయే సుని హనుమంత హృదయ అతి భాయి తబ లగి మోహి పర కేవ తుమ భాయి సహి దుఃఖ కంద మూల బల కాయి జబ లగి ఆవో సీతహి దేఖి ఓహి కాజ మోహి హర్ష విశేషి యహ కహి నాహి సబ నికహు మాతా చలె హరసి ధరి రఘునాథ సింధు తీర ఏక భూధర సుందర